यहाँ पर आदिवासी किसी अंडे पंडे और बाबा फाबा पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि इस देश में जैसे आपने मेरी बहन को पूछा कि आपके यहाँ पे राम राज्य जरूरी है या संविधान, मैं बोलता हूँ संविधान राज्य जरूरी है। मैं जाने के लिए उनका शुद्धिकरण किया गया है। मैं आपको बताता हूँ, आदिवासियों को मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है और आदिवासी इस देश का मालिक है। वी आर नॉट ओनली सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर दी ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के केवल नागरिक नहीं है, हम इस देश के मालिक है, और हम लोग मालिक होने का सम्मान और अधिकार किसी से मांगेंगे नहीं, ये छीन कर लेंगे। हमारी कौम में ये छीनने की ताकत है। आदिवासियों के गद्दारों को उसे मारो सालों को, आदिवासियों के गद्दारों को उसे मारो सालों को। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। आवाज दो, जय बिरसा, जय बिरसा। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा फुले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवाजी महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राघोजी भांगरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टंट्या भील जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबूराव शर्मा की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानी दुर्गावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिरपाजी, मैं नागपुर में पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ ट्राइबल कल्चर एंड क्रिमिनिज्म पे, और एक बिरसा ब्रिगेड के संगठन में केंद्रीय संगठक के तौर पे काम करता हूँ। आज आपने जैसे बताया, जैसा आपने बताया कि आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश भर में आदिवासियों पर किस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है? बिल्कुल, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है जहाँ के मूल मालिक यानी आदिवासियों के ऊपर जानवरों जैसा व्यवहार होता है, ये पहली बात है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि आज जिस निषेध को लेकर हम खड़े हैं, केवल मणिपुर की बात कर रहे हैं। वाई मणिपुर? अगर यहाँ पर गैर आदिवासी लड़की होती तो भारत बोलते हैं, आदिवासी लड़की है इसलिए आप मणिपुर बोलेंगे। क्यों? क्या ये आदिवासी भारत नहीं है? ये आदिवासी भारत है, और वो लड़की केवल मणिपुर की बच्ची नहीं है, वो केवल आदिवासियों की बच्ची नहीं है, वो भारत की बच्ची है। भारत के हर धर्म के, हर जाति के, हर पंथ के लोगों ने उस निषेध को लेकर सामने आना चाहिए था। हम लोग देखते हैं कि नेताओं की जब पार्टी रहती है, नेताओं की जब कार्यक्रम रहते हैं, तो कतार में लोग खड़े रहते हैं। आज एक महिला की इज्जत की बात आ गई है। इज्जत इज्जत होती है, महिला की हो या पुरुष की हो, गाय की हो या बैल की हो, इज्जत इज्जत होती है। यहाँ पर महिलाओं ने, पुरुषों ने एक साथ डट कर खड़े होना चाहिए था, कोई नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के नाम पर जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे, तो ये जो युवा है ये बड़े पैमाने पर मोदी जी के साथ में था? बिल्कुल साथ में नहीं था, ये ढोंग है। और जो साथ में था वो फाइनेंसर थे, उनके उनके पैसों से वो खड़े थे। जिनके जिनके बदन पे कपड़े नहीं है, जिनके पेट में रोटी नहीं है, वो कैसे सबका साथ और सबका विकास के लिए खड़े हो जाएंगे? हम लोग सर, ये विद्यार्थी है, ये पूरे ट्राइबल स्टूडेंट्स है, यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, और ये विद्यार्थी अपनी माँ बहनों की रक्षा के लिए सड़क पर जब जब आंदोलन करते हैं, तब तब इन लोगों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ये नक्सलवादियों के इशारे पर काम करते हैं, ये माओवादियों के इशारों पर काम करते हैं, ये आतंकवादियों के इशारों पे काम करते हैं। यहाँ पर कोई माओवादी और आतंकवादी के इशारों पे काम नहीं करता, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इनको समझता है कि समाज के हक, अधिकार और सम्मान के लिए क्या करना चाहिए। ये बात हम लोग देख रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में अलग अलग तरीके के क्रोनोलॉजी चलाई जा रही है, हम लोगों को अलग अलग तरीके के नाम एक बात निकल के आ रही है कि पूरे देश के लोगों का सम्मान किया जाएगा और यूसीसी कानून के माध्यम से सबके अधिकार एक बराबर किए जाएंगे। बिल्कुल, तो खुश नहीं है आप? ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके विरोध में तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी थे। इन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को बोला था, मैं हिंदू घर में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन हिंदू घर में मरूंगा नहीं। ये वास्तविकता थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब तब आर्टिकल 44 का विरोध किया था, हम लोग ये पूरे बुद्धिजीवी विद्यार्थी आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी इस देश में लागू होना, एक राष्ट्र एक धर्म क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि हमारा संविधान खतरे में है, संविधान को कोलैप्स किया जा रहा है। आदिवासियों के कल्चरल राइट्स, उनके इनहेबिटेंट्स राइट्स, उनके एजुकेशनल राइट्स, उनके पर्सनल राइट्स को खत्म किया जा रहा है, यही बात है। अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, जब दिल्ली में संविधान जलाया गया तो इतने बड़े पैमाने पे लोग रस्ते पर नहीं निकले? बिल्कुल आए थे। हम लोगों को गुमराह किया गया, हमारी गाड़ियों को रोका गया, यही बीजेपी सरकार है जिन्होंने हमारी गाड़ियों को रोका गया, हमारे लोगों को अंदर जेलों में डाला गया। आज आदि एक युवा, बात युवा युवा क्या सोचता है अभी आगे की रणनीति? आज युवा ये सोच रहा है कि देश में जो संविधान चल रहा है, उस संविधान के भरोसे अगर आदिवासी जिंदा है तो उस संविधान की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी वैचारिक जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे। अगर आज की तारीख में केंद्र सरकार ने मणिपुर को लेकर या देश में हो रहे जितने भी आदिवासी है, अब देखो हम लोगों ने देखा सिवनी में
दो आदिवासियों ने एक गौ मास को काटा तो उसकी जान ले ली गई थी। मेरे को एक बात बताओ, जिंदा आदिवासी लड़कियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? हमारे आदिवासी भाई के ऊपर मूता गया, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? ये लोग गौमूत्र पीते हैं और उसको पवित्र बताते हैं और वही पवित्र मूत्र हमारे ऊपर विसर्जित करते हैं, इसका ये कौन सी साइंटिफिक रीजन है तुम्हारे? ये समझ में नहीं आ रहा। मालवा निमाड़ में देखो, बड़े पैमाने पे बाबाओं ने इस देश में कार्य कर रहे हैं और इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करेंगे ऐसा बता रहे हैं सब? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आदिवासी किसी अंडे पंडे और बाबा फाबा पे भरोसा नहीं करता है, क्योंकि इस देश में जैसे आपने मेरी बहन को पूछा कि आपके यहाँ पे राम राज्य जरूरी है या संविधान, मैं बोलता हूँ संविधान राज्य जरूरी है। आपने उसको एक सवाल पूछा कि द्रौपदी राष्ट्रपति को मंदिर में जाने के लिए उनका शुद्धिकरण किया गया, मैं आपको बताता हूँ आदिवासियों को मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है और आदिवासी इस देश का मालिक है। वी आर नॉट ओनली सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी आर दी ओनर्स ऑफ दिस कंट्री। हम इस देश के केवल नागरिक नहीं है, हम इस देश के मालिक है और हम लोग मालिक होने का सम्मान और अधिकार किसी से मांगेंगे नहीं, ये छीन कर लेंगे। हमारी कौम में ये छीनने की ताकत है, हमारे समाज के संविधान के अंदर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया था आपको और इस देश का आपको हुक्मरान बनाया था। बिल्कुल 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन जो है जिससे भारत में चुनाव होते हैं, ये मशीन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती है, तो फिर आप किस तरह से अपना हक अधिकार लोगे? सर देखिए, हम लोग इस बात को मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट देने का अधिकार किया, लेकिन हम जिन लोगों को हमारा सामाजिक प्रतिनिधित्व बनाकर एक रिजर्वेशन के माध्यम से पार्लियामेंट में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, हमारे समाज को ऐसी अवस्था में खड़ा किया है। नहीं तो आदिवासी समाज की अवस्था व्यवस्था और आवश्यकता के बारे में अगर ये सोचते तो आज हमारी माँ बहनों को सड़कों पर नंगा नहीं किया जाता, ये पूरे देश की हालत है। जो 217 SC ST के MP लोग हैं वो क्या इस सरकार को गिरा सकते हैं? बिल्कुल गिरा सकते हैं, अगर उनकी नीयत है, उनकी रगों में उनके लहू में अगर आदिवासियों का खून बह रहा है, SC ST OBC का खून बह रहा है, उन्होंने उन लोगों में इस देश के स्वतंत्र वीर जितने भी आदिवासी महावीर हैं उन लोगों के विचारों के संघर्ष से अगर चल रहे तो वो गिरा सकते हैं। और अगर ये गंदी नीयत की सोच है, अगर ये खूंटे से बंधे हुए बैल है, तो बैल कभी भी इशारे पे काम करता है और वो इशारे पे काम करता जाएगा। आने वाले समय में पूरा आदिवासी समाज, पूरा बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, OBC समाज, आने वाले समय में ऐसी षड्यंत्रकारी और सत्ताधारी जमात को ये पाठ पढ़ाएगी और ये हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये है बाबा साहब के सपनों का भारत। बाबा साहब ने इस देश में शिक्षा को प्रभुत्व दिया, उन्होंने कहा था जब भी शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो इस तरह से दहाड़ेगा। इस देश में दो तरह के युवा नजर आते हैं, एक वो युवा जो कंधे पे कावड़ लेकर घूमते हैं और एक वो युवा जो आज अपने समाज के, अपने देश के, अपने बांधवों के, इस भारत देश के हक अधिकारों के लिए लड़ने की बात करता है। तो हम तो देखना चाहेंगे कि इस तरह का भारत ये जल्द से जल्द निर्माण हो और युवा जो है ये इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत इस देश को फिर से इस देश का, इस दुनिया का विश्वगुरु बनाने में सक्षम है।